iOS 18 भाई इतने सारे फीचर्स लेके आया, मतलब मैं ना हैरान हो गया कि भाई एप्पल इतनी कस्टमाइजेशंस कैसे दे सकता है। तो भाई ज्यादा वेट मेरे से भी नहीं हो रहा, मुझे पता है आपसे भी नहीं हो रहा होगा, इसलिए जल्दी से करते हैं इसको इंस्टॉल। और हाँ, मुझे पता है कि अभी अगर आप जाओगे सेटिंग्स में और जनरल में सॉफ्टवेयर अपडेट में, तो यहाँ पे आपको iOS 18 का अपडेट आ ही नहीं रहा, तो उसे कैसे लेके आ रहा है वो बताता हूँ मैं। तो चैनल पे पहली बार आया हो तो टेकिला को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे मैं ऐसी बहुत सारी वीडियोस लाते रहता हूँ। अब आते हैं प्रोसेस के ऊपर। तो सबसे पहले तो भाई आपने सफारी खोलना है और चले जाना है developer.apple.com में। अब यहाँ पे ऊपर क्लिक करोगे और अकाउंट में जाओगे तो आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। ये मैंने फेस आईडी से लॉगिन कर लिया, अभी हमारे सामने आ रहा है एनरोल टुडे, बस इस पे क्लिक कर देना है और बस अब आप एक डेवलपर बन चुके हो। अब जैसे ही सॉफ्टवेयर अपडेट में जाओगे, यहाँ पे iOS 18 डेवलपर बीटा का ऑप्शन आ चुका है, इसको सिलेक्ट करो। यहाँ पे 6.78 GB दिखा रहा है, डिपेंडिंग आपके पास कौन सा आईफोन है, हो सकता है साइज बड़ा है छोटा हो। बस फिर नॉर्मली जैसे आप अपडेट करते हो वैसे कर लो। अब 15-20 मिनट लग सकते हैं इस प्रोसेस को, तो थोड़ा वेट करना है, 2-3 बार रीस्टार्ट भी होगा फोन। एंड फाइनली अब हमारा एप्पल लोगों के बाद ये आ गया है नमस्ते, मतलब iOS 18 हो चुका है, सॉफ्टवेयर अपडेट कंप्लीट। नेक्स्ट करते हैं, वेलकम टू आईफोन, स्वाइप अप करते हैं और ये हमारा iOS 18 आ गया। और भाई ये देखो कैसे कंट्रोल सेंटर स्वाइप हो रहा है, मतलब सारे iOS 18 वाले फीचर्स आ चुके हैं। अब सारे फीचर्स के ऊपर तो मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसमें बहुत सारे फीचर्स ढूंढ ढूंढ के मैंने निकाल रखे हैं, उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि अपडेट कैसे करना है अपना iOS 18 के फीचर्स के ऊपर, मतलब ऐसे छोटे मोटे फीचर्स नहीं, ढूंढ ढूंढ के फीचर्स मैंने इसके अंदर निकाल के रखे हुए हैं, जो कि किसी ने नहीं बताए, ना एप्पल ने और ना इंटरनेट पे किसी और ने। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना अगर आप भी iOS 18 आने से पहले उसके फीचर्स के बारे में जानना चाहते हो। तो कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कर दो, मैं आंसर कर दूंगा। बाकी वैसे दोनों वीडियोस ही बहुत काम के हैं, चेकआउट जरूर करना।